वृंदावन कोतवाली इलाके के गांव छरौरा स्थित शांति नगर में घर से चोरी हुए एटीएम से हजारों की नकदी निकालने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पीड़ित ने पड़ोस के ही दोस्त के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। ग्राम छरौरा निवासी आर्यन यादव पुत्र राजा राम के अनुसार शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे पड़ोस का ही रहने वाला मित्र उसके घर पर आया और घर में रखे एटीएम और 750 रुपए चुरा ले गया। इतना ही नहीं, उसने एटीएम से 20,000 रुपए भी निकाल लिए। घटना का पता उस वक्त चला जब बैंक से मिले मैसेज में 20,000 रुपए कटने की जानकारी हुई। मामले में पीड़ित ने वृंदावन कोतवाली में नामजद के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस एटीएम में लगे सीसीटीवी खंगाल कर मामले की जांच करने में जुटी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आर्यन यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के रहने वाले हैं। अभी आप वृंदावन में कहाँ रह रहे हैं? वृंदावन में छरौरा ग्राम शांति नगर में प्लॉट खरीदा है, अभी बनवा रहे हैं वहाँ पे। अभी आप थाने आए हो, क्या कारण है, किस कारण से थाने आए हो? मैं मेरे घर से एटीएम चोरी होगी और 20,000 रुपये निकाले गए हैं एटीएम से और पर्स में 750 रुपये थे, वो भी ले गए। आपके घर से चोरी हो गया था? पर्स से चोरी हो गया। पर्स चोरी नहीं हुई, एटीएम चोरी हुई है और पैसे चोरी हुए, पर्स वहीं पे। आप कहाँ थे जब चोरी हुआ था? मैं वहाँ पर सो रहा था। रात्रि की बात है। हाँ। कितने रुपये निकाल लिए एटीएम? एटीएम से 20,000 रुपये निकाले हैं। 20,000 रुपये। अभी आप थाने आए हैं, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस बोल रही है कार्रवाई करेंगे अब और बैंक से डिटेल निकालेंगे, जिसने निकाला है वो कार्रवाई होगी। किसी पर शक है आप? शक मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मैंने 5-6 बार ट्रांजैक्शन किए हैं और मेरे बगल में ही खड़ा रहता था, तो उसका नाम विकास कुमार है, उसके साथ था। तो वो भी आपके साथ था रात में? रात में मेरे साथ, मेरे पास आया था 9 बजे करीब में और मैं नहीं था घर पे। जब मैं आया तो वो नहीं था, फिर मैं जब सो गया अपना एटीएम चेक करके। आपने उससे पूछी थी, उससे जानकारी की थी आपने? मैंने उससे टाइम ही नहीं मिला, वो था ही नहीं पूछने के, वो कल काम पे गया था होटल सुबह सुबह। और कुछ भी चोरी हुआ था पर्स में या केवल एटीएम ही चोरी? एटीएम हुआ और 750 रुपये। 750 रुपये।